दोस्तों जब से T20 क्रिकेट का आगमन हुआ है, क्रिकेट में चौका छक्का मारना बेहद आसान हो गया है। आधुनिक क्रिकेट में तेज गति से रन बनाने के लिए छक्का और चौका मारना बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में भारतीय टीम में ढेरों ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़ी आसानी से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। इस समय भारतीय टीम में रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो किसी भी गेंदबाज को बड़ी आसानी से छक्का मार सकते हैं। वर्तमान समय में अगर कोई क्रिकेटर छक्का या चौका नहीं लगाता है तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है। टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। रोहित ने अब तक अपने वनडे करियर में 244 छक्के लगाए हैं, जबकि छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम दर्ज है। धोनी ने अपने वनडे करियर में अब तक 229 छक्के लगाए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भारतीय बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर में एक भी छक्का नहीं लगाया। इस बल्लेबाज का नाम मनोज प्रभाकर है। 12 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी मनोज प्रभाकर के बल्ले से वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं निकला था। मनोज प्रभाकर के करियर की बात करें तो प्रभाकर का टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ साल 1984 में हुआ था, जबकि उनका वनडे डेब्यू अप्रैल 1984 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। मनोज प्रभाकर ने 130 वनडे मैचों में 24.13 की औसत से 1858 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए। वहीं मनोज प्रभाकर के नाम 39 टेस्ट मुकाबलों में 33 की औसत से 1600 रन दर्ज हैं। इस दौरान मनोज प्रभाकर ने 3 वर्ल्ड कप भी खेले। 1987, 1992 और 1996 के वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतना बड़ा वनडे करियर होने के बाद भी मनोज प्रभाकर वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का लगाने में कामयाब नहीं रहे। हालांकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4 छक्के लगाए हैं।